वेलकम बैक टू फूड्स मीडिया। फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी के लिए मसाला पापड़ चाट की रेसिपी लाई हूँ, जो बहुत ही टेस्टी होता है। तो सबसे पहले मैंने एक गैस की फ्लेम को ऑन करके हाफ मसाला मूंग का पापड़ लिया है। इसे मैं बहुत बार कर चुकी हूँ फ्रेंड्स, इसलिए मैं हाथ से कर रही हूँ। आप अगर फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो चिमटे से करिएगा। हमें पापड़ को ऐसे सेक लेना है आग में। फ्रेंड्स, इसे बहुत ही सेफ्टी से करिएगा। अच्छे से पलटते हुए दोनों साइड से करना है कि ये जले भी ना और अच्छे से भुन भी जाए। ये देखिए, पापड़ अभी थोड़ा सा और कच्चा है। मैं इसे हल्का सा भूनी हूँ। गैस की फ्लेम हमें ऑफ करके तुरंत ही इसको कोन की शेप में कन्वर्ट कर देना है। ये देखिए फ्रेंड्स, इसे तुरंत ही करना, और ये बहुत ही गर्म है तो बहुत ही सेफ्टी से करिएगा। ये देखिए, हमारा एक कोन बन के रेडी हो गया है। इसी तरह से मैंने और भी पापड़ों को तैयार कर लिया है। तो चलिए अब इसके अंदर स्टफिंग की तैयारी कर लेते हैं। तो ये देखिए, मैंने कुछ वेजीज यहाँ लिया है, जिसमें लिया है मीठी चटनी है ये, और चॉप्ड किए हुए प्याज, चॉप्ड किया हुआ टमाटर, और ये मैंने लिया है पुदीना पत्ती और खट्टी चटनी। तो क्योंकि अब हम लोग बना रहे चाट, तो ये मैंने लिया है फ्रेंड्स कैबेज का पत्ता है, जिसे मैंने हल्का सा तेल में फ्राई कर लिया है ताकि इसका जो कच्चापन है वो दूर हो जाए। तो अब मैं प्याज और टमाटर को साथ में मिक्स कर रही हूँ। इसमें डालेंगे हम चटनी और खट्टी चटनी। फ्रेंड्स, ये धनिया और पुदीने की खट्टी चटनी है। अगर आपको इसकी रेसिपीज चाहिए होंगी तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अब मैं डाल रही हूँ पुदीना पत्ती, जिसे मैंने बारीक चॉप्ड कर लिया है। मुझे मीठी चटनी थोड़ी सी कम लग रही थी, इसलिए मैंने और अच्छे से डाल दिया है। अब इसमें मैं डाल रही हूँ जीरा नमक। ये जीरा और नमक का मिक्स पाउडर मैंने बना के रखा था, और इसमें मैं ऐड कर रही हूँ पिसी हुई लाल मिर्च। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। फ्रेंड्स, ये जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये हमारी शाम की छोटी सी भूख के लिए बहुत ही अच्छा है, और ये बहुत ही इंस्टेंट और बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में। ये देखिए, मैं इसे अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। तो ये देखिए, अच्छे से मिक्स हो गया है। अब मैं कोन लूँगी, जो मसाला कोन हमने तैयार किया है, और उसके अंदर स्टफिंग रख देंगे, अच्छे से पोर कर देंगे। ये देखिए, मैं बस इसे इतना ही स्टफ कर रही हूँ। इसी तरह से हम दूसरी कोन भी तैयार कर लेंगे। अच्छे से स्प्रेड करते हुए मैंने ये स्टफ कर लिया है। तो अब इसे मैं डायरेक्ट प्लेट में रखती हूँ।
तो ये मैंने प्लेट को पहले से तैयार रखा था। और ये फ्रेंड्स मैं ये ले रही हूँ नमकीन, ये मिक्स नमकीन है। अगर आपके पास आलू भुजिया हो तो आप उसे लगा दीजिए, मेरे पास नहीं थी इसलिए मैं इसी ही लगा रही हूँ, क्योंकि इसके अंदर पीनट्स वगैरह सब मिक्स हैं। तो ये देखिए एक एक करके मैंने दोनों जो कोन बनाए थे उसे रख दिया है। अब हम इसके ऊपर डाल देंगे नमकीन, अगर आपके पास बारीक सेव हो तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स तैयार है हमारा मसाला पापड़ कोन चाट, जो बहुत ही टेस्टी लगता है और बहुत ही कम समय में जल्दी से बन जाता है। सो फ्रेंड्स आपको ये मेरी इजी सी रेसिपी कैसी लगी प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। और हाँ, अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो शेयर भी ज़रूर करिएगा। और फ्रेंड्स ट्राई करके अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर करना मत भूलिएगा। तो फ्रेंड्स अगली बार फिर मिलूंगी किसी नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।